सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और इसका नाम है शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहली चीज, टैक्स दो तरीके के होते हैं, द वन इज द डायरेक्ट एंड अदर इज द इनडायरेक्ट। तो ऐसा कौन सा टैक्स होता है जिसमें हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, मीन्स अपना टैक्स बर्डन किसी और पे ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो हमारे इनकम टैक्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जिस पर्सन की इनकम है उसी पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम ये चीज शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है कि उसमें हम किस तरीके से शिफ्टिंग करते हैं, इंसिडेंस क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये रहा वो एग्जाम्पल, एक है हमारे मैन्युफैक्चरर, हंस रहे हैं भाई साहब, होलसेलर भी हंस रहे हैं, रिटेलर भी हंस रहे हैं, लेकिन जो हमारा कंज्यूमर है या फिर जो कस्टमर है वो दुखी है। वाय, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे भाई टैक्स चाहिए, तुम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्शन को जब बेचोगे देन आई वॉन्ट टैक्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा टैक्स। तो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, यहां तक सब ठीक था। फिर जब मैन्युफैक्चरर ने सामान होलसेलर को बेचा तो मैन्युफैक्चरर ने अपना कॉस्ट तो रिकवर करा ही करा, प्लस टैक्स का जो अमाउंट था वो भी रिकवर कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, पहले टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को और बाद में फिर होलसेलर से टैक्स रिकवर कर रहा इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। पहले कुछ अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे लेकिन अभी जीएसटी है तो मैं जीएसटी से लिंक करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिर जब होलसेलर ने बेचा, होलसेलर ने किसे टैक्स दिया, मैन्युफैक्चरर को। अब होलसेलर किससे कलेक्ट करेगा, रिटेलर से। ठीक है, रिटेलर ने होलसेलर को टैक्स दिया था। अच्छा, होलसेलर टैक्स अपने पास नहीं रखेगा, होलसेलर टैक्स जमा करा देगा जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, चिंता ना करो। फिर रिटेलर की बारी है, रिटेलर ने होलसेलर को टैक्स दिया था एक तरीके से बोल सकते हो, तो रिटेलर कंज्यूमर से लेगा, लेकिन कंज्यूमर किससे टैक्स वसूलेगा, क्योंकि कंज्यूमर इज द लास्ट पॉइंट इन द चेन। सो कस्टमर या कंज्यूमर, अच्छा कस्टमर और कंज्यूमर भी अलग अलग होते हैं, इनमें डिफरेंस पता है, व्हाट इज द कस्टमर एंड व्हाट इज द कंज्यूमर। अगर आप सामान खरीद रहे हो और आप खुद उसे कंज्यूम करोगे देन यू विल बिकम कंज्यूमर, लेकिन अगर आप सामान खरीद रहे हो कंज्यूम कोई और करेगा, हाँ आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, देन यू विल बिकम कस्टमर। ठीक है, चलो तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इन सबको तो टैक्स का बैकअप मिल जाएगा, एक तरीके से क्रेडिट बोलते हैं जीएसटी में, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन कस्टमर को कुछ नहीं मिलेगा। कस्टमर इज द लास्ट हु बियर्स द टैक्स। अगर हम टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो सबसे पहले टैक्स किस पर लगाया गया, मैन्युफैक्चरर पर। सो मैन्युफैक्चरर पे था इसका इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। इम्पैक्ट का मतलब होता है फर्स्ट इंस्टेंस जब कोई भी पर्सन टैक्स पे करता है, फिर इसने शिफ्टिंग करी टैक्स की, इसने मैन्युफैक्चरर ने शिफ्ट करा टैक्स होलसेलर पे, होलसेलर ने रिटेलर पे, रिटेलर ने कंज्यूमर पर। तो ये तो होगी शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, द ट्रांसफर ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन टू अनदर। अब बारी आती है कंज्यूमर की, कंज्यूमर ने टैक्स पे करा, ये सबसे एंड चेन है, मतलब ये सबसे एंड पॉइंट है चेन का। तो कंज्यूमर या कस्टमर किसी से टैक्स वसूल नहीं सकता, सो उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का मतलब जिसका फाइनल बर्डन है टैक्स बियर करने का। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, इट इज द पर्सन हु पेज द टैक्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। इंसिडेंस के अंदर इट इज द पर्सन हु फाइनली बियर्स इट। ठीक है, इम्पैक्ट में इमीडिएट बर्डन होता है और इंसिडेंस में अल्टीमेट मतलब फाइनल बर्डन ऑफ टैक्सेशन या अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्सेशन। अब ये डायग्राम क्लियर है, यहां पे मैन्युफैक्चरर पे इसका था इम्पैक्ट, कस्टमर पे था इसका इंसिडेंस, यहां पर हुई टैक्स की शिफ्टिंग। देखो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जीएसटी का जो आउटपुट है, जीएसटी का जो मेथड है, शायद अच्छे से समझ में आ जाए उससे। मैन्युफैक्चरर को मान लेते हैं इसका नाम है एम, और होलसेलर को मान लेते हैं इसका नाम है डब्ल्यू। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, उसकी कॉस्ट आई 1,00,000 रुपए,
या इससे ना करके, चलो पूरा ले लेता हूँ। इसने बनाइए जीएसटी का रेट लगाया इस पे, मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 18%। तो जब बिल का अमाउंट बनेगा तो 1 लाख तो लगेगा लगेगा, प्लस 18% और लग के, तो बिल का अमाउंट बचा ये 18,000 का। ये था एम। तो डब्ल्यू क्या करेगा, इसे एम को रुपए दे देगा 1,18,000। ठीक है, मैन्युफैक्चरर 1 लाख अपने पास रखेगा, 18,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। तो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट कराया, 18,000। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। अब होलसेलर के देखो, होलसेलर को कॉस्ट कितना पड़ा, कॉस्ट तो उसे पड़ा 1 लाख का ही, लेकिन उसे 18% का जीएसटी भी देना पड़ा। अब मान लो होलसेलर यहां से सामान लेकर आया, इसने सामान पर थोड़ी सी वर्किंग करी और उसे और अच्छा बनाया, और उसकी कॉस्ट आ रही है 1,20,000, यानी वो 1,20,000 पे बेचेगा। जीएसटी का रेट लगाया एट द रेट ऑफ 18%, और अगर 12,000 का 18% निकालते हैं, 12,000 18%, 12,000 कह रहा हूँ, 1,20,000 का 18% निकालते हैं, तो ये आता है 216, और इसमें अगर 1,20,000 ऐड कराएंगे, दिस विल बिकम 414,600। ये रिटेलर पे करेगा टू द होलसेलर, क्लियर है। अब जरा यहाँ पे पॉइंट्स देखो, यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट था 18,000, और यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट था 21,600। ठीक है, अब क्या होगा, होलसेलर ने पहले 18,000 का टैक्स पे करा है, ठीक है, और उसे टैक्स मिला कितने का, हाँ मिल रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे टैक्स होलसेलर नहीं देगा, रिटेलर देगा होलसेलर को, तो होलसेलर के पास तो ये टैक्स का अमाउंट आया। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, देख डब्ल्यू से बोलते, होलसेलर से, देख तूने मुझे 18,000 रुपये टैक्स दिया। अब बोलोगे आप कि होलसेलर ने गवर्नमेंट को कहा दिया, अरे भाई होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दिया, तो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास पहुंच गया ना। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि देख 21,600 रुपये तुझे मिले हैं टैक्स में, इसमें से तू मुझे 18,000 पहले ही दे चुका है, ये दिए थे ना होलसेलर ने, हाँ तो 18,000 पहले ही दे चुके हो, तो आप एक काम करो, आप मुझे 3,600 रुपये और दे दो, बस 3,600 रुपये और दे दो। तो इससे होगा क्या, होलसेलर ने जो 18,000 का पहले टैक्स दिया था उसे उसका रिटर्न मिल गया, अदरवाइज यहां पे ये पूरे 21,600 रुपये गवर्नमेंट के पास जाते, लेकिन अब कितने जा रहे हैं, सिर्फ 3,600, 18,000 का जो टैक्स का अमाउंट था वो होलसेलर को वापस मिल गया। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, होलसेलर ने एक बार टैक्स तो पे करा लेकिन उसके पास वापस आ गया। ठीक है, अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा टैक्स, यहां पर कितना था, 3,600 रुपये का यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एडिशनल टैक्स पहुंचा। इन टोटल अगर देखोगे तो गवर्नमेंट के पास 21,600 ही पहुंचे। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीएसटी। यहाँ पे जो भी मिडल मैन है या जो भी स्टार्टिंग के मैन है, अच्छा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के पास ना कुछ रिटर्न नहीं है, मैन्युफैक्चरर किसी से इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को तो जमा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से आगे, मैन्युफैक्चरर से पहले कोई नहीं था। ठीक है, होलसेलर ले सकता है, रिटेलर ले सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कंज्यूमर नहीं ले सकता। क्लियर है, इम्पैक्ट समझ में आया, शिफ्टिंग समझ में आ गई किस तरीके से होती है टैक्स की, और इंसिडेंस क्या है। चलो कुछ हिस्ट्री की बातें कर लेते हैं। डेल्टन सेज दैट द प्रॉब्लम ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज द प्रॉब्लम ऑफ नोइंग हु पेज द टैक्स। सही बात है, इंसिडेंस के अंदर हम देखते हैं कि टैक्स दे कौन रहा है, बस ये तो हमें पता करना, हु इज पेइंग द टैक्स, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ही फर्दर स्टेट्स दैट इंसिडेंस इज अपॉन दोज हु बियर्स द डायरेक्ट बर्डन ऑफ टैक्स। अब यहां पर होलसेलर ने बर्डन तो बियर करा था टैक्स का, ये 18,000 रुपये का जो टैक्स दिया था मैन्युफैक्चरर को, लेकिन ये डायरेक्ट बर्डन नहीं था, क्योंकि उसे उसका रिटर्न मिल रहा था वापस। ठीक है, सो इंसिडेंस उसी के ऊपर आता है जो डायरेक्ट बर्डन ऑफ टैक्स को बियर करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस हैज अंडरगोन फार रीचिंग चेंजेस रिसेंटली। द क्लासिक वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी इज रिप्रेजेंटेड बाई द सेलिगमैन, वेयर इज द करंट थिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद सच नेम्स सच एज रॉल्फ मशग्रेव, हेरबर्गर एंड मिसकोस्की। शायद यही नाम, यही इनकी प्रोनाउंसिएशन है, बाकी स्पेलिंग आप देख सकते हो।
इसे यहीं तक रखते हैं और अगला टॉपिक हमारे ट्रेडिशनल नोट्स बने नहीं है। अगला टॉपिक हम बढ़ेंगे ट्रेडिशनल वाले में, जिसमें हम सेलिगमैन की थ्योरी को पूरा डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से टैक्स को डिफाइन करा, इंसिडेंस को डिफाइन करा है, किस तरीके से उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं एविएशन के, सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गाइज, दोस्तों को बता देना पब्लिक फाइनेंस की वीडियो दोबारा से आना स्टार्ट हो गई और इस बार हम पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।